घर में लड़की वाले आऊंगे, मैं जुने देख बहुत काम है, अकेली कम तो नहीं होगा, इसलिए इतना लेना आया। मशनी, प्लान में जरा भी चेंज नहीं आएगी, कपड़े 2 बजे डिलीवर हो जाएंगे, चुपचाप उन्हें लेकर यहाँ पहुँच जाना। अब मैं इस कॉम्पिटिशन को नहीं बचा पाऊंगा। आपको पता है जो मंजिल मैंने अपने लिए तय की थी उसके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं। आज मुझे मुंबई वापस जाना पड़ेगा। क्या बात है मास्टर जी, अब तक यहीं खड़े हो? मुझे तो लगा आप अपने चेलों के साथ अब तक मुंबई जाने वाले हवाई जहाज में बैठ चुके होंगे। नील, हार के डर से लड़ाई को बीच में छोड़कर चला जाओ। मुंबई वाले इतने भी कमजोर नहीं है नील। रस्सी जल गई पर बल ना गया, लेकिन मुंबई तो जाना ही पड़ेगा। कंपटीशन खत्म तो होने दे नील। इसीलिए तो समोसे और कचौड़ियां मंगाई है मैंने वहां तमाशा देखने के लिए। सिर्फ आधा घंटा रह गया आपके पास। सर, मैं आपका बैग ले आया। बैग? सर मैं जानता हूँ करनाल से आपकी काफी यादें जुड़ी हुई है, पर आप अंदर जाते तो नील और उसके चमचे फिर से आपका कोई मजाक बनाते। अच्छा सर, फिर मिलते हैं। आज नहीं बिट्टू, नॉट टुडे। अब मैं भी देखूं कि कौन हमारा मजाक उड़ाएगा। बिट्टू माय फ्रेंड। यस सर। हम अंदर वापस जाएंगे। अंदर? Yes. और नील के दिए गानों पर लोग बिना झिझक के नाचेंगे भी। सच में? Of course. कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। It's back on. बस पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना है। कहाँ गए लोग? Come on, come on, get back to work. चलोगी मेरे साथ मेरे रास्ते? इसके भी लक्षण ना वह इसकी माँ की तरह है, जैसे वो इतना नचनिया, ये भी देख ले एक दिन नचनिया ही बनेगी। आज एक बात मैंने पता चल गई, बाप चाहे कितनी भी अच्छी परवरिश कर ले, लेकिन माँ का खून 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 पुकारेगा। आज के बाद इस रोशनी का घर से बाहर जाना बंद, इसके पांव में बीड़ी डालनी पड़ेगी। मैंने बस एक बात का जवाब दे रोशन, पूरा करनाल बोलता रहा पर मैंने कभी भी ये बात अपनी जुबान पे ना ली थी कि तू नचनिया के बेटे। इसके भी लक्षण ना, मैंने बस एक बात का जवाब दे रोशन, पूरा करनाल बोलता रहा।
एक वादा और कर रहा हूँ मैं, तू कभी भी नाचेगी, कभी भी नाचेगी, कभी भी नाचेगी। उठा पाओगी भार? इस बच्ची ने भी अपने जैसा नाचने वाली बनाओगी के? सर जी मन्ने माफ कर दो, नील भाई जी ने जो करने को कहा है वो मारे से ना होगा, और वैसे भी सबके सामने बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मैं अपना रास्ते पहले निकल जाऊं। बड़ी एक बात सच कहूं, नील की बात सुनने के बाद ना एक पल के लिए मैंने भी हार मानी। एक पल के मुझे लगा कुछ नहीं हो पाएगा। We have no other option. किसी ने मुझे कुछ एडवाइस दी, उसने मुझे ये कहा कि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल दें तो वो प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के नए तरीके मिल जाते हैं। बिट्टू पोल ले क्या? नील ने तुझे पोल डांस दिया राइट? अब उसने ये नहीं कहा है कि पोल सीधा होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं कहा है राइट? बिट्टू पोल, ये होता है पोल। अब तू इससे पोल डांस करेगा बट मेरा स्टाइल, तू इसके साथ भांगड़ा करेगा राइट? नील ने कभी कुछ नहीं कहा था, उसने बस कहा था पोल डांस। ये रहा तेरा पोल, कर भांगड़ा। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, हर प्रॉब्लम। अपने अपने खाने को छुआ तक नहीं, क्या सोच रहे हैं? जब से आया हूं बस एक ही चिंता खाई जा रही है। कैसी चिंता? नील को पिताजी की जिम्मेदारियां संभालते हुए देखकर और इस शहर की चिंता करते हुए देखकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मन में डर घर कर गया है। डर? किस बात का डर? मुझे डर है कि पिताजी की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कहीं वो उनके जैसा ना बन जाए। पिताजी ने अपने रिश्ते अच्छे से निभाए हैं, एक पिता होने का, एक दादा होने का फर्ज उन्होंने
बहुत अच्छे से निभाए, पर इंसान के रूप में मैं उनकी सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि नील उनके तरह छल और कपट के रास्ते पर चले। एक इंसान की पहचान सोने की मोहरों से नहीं, अच्छाई से होती है। मन ने तो लागे है कि आप खामखा ही चिंता कर रहे हो। माना कि दारजी की बढ़ती उम्र के कारण नील उनके साथ ज्यादा समय बिताए हैं, तो जाहिर है कि उनका असर नील पर तो होगा ही, पर उसके रगों में तो खून तो आपका ही है ना, और आपका अंश होते हुए सही और गलत के बीच में उसे फर्क ना मालूम हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मन ने अपने छोरे पर पूरा यकीन है कि वो आपकी नजरें कभी भी झुकने ना देवेगा। नील पर मेरे खून से ज्यादा तुम्हारी परवरिश का सर। आज अगर वो अच्छा इंसान है तो उसका श्रेय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी परवरिश मारे को धोखा नहीं देगी। पर एक बात है, इन 13 सालों में अगर आपकी मौजूदगी और आपका आशीर्वाद होता तो शायद उसकी परवरिश और भी अच्छी होती। और जिस दिन आप गए, पता नहीं क्यों अचानक ही नील की शादी दारजी ने रोशनी के साथ तय कर दी। पर मारे ये ना समझ में आ रहा कि उस दिन दारजी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा। कारण जो भी रहा हो, पर मुझे इस बात की खुशी है कि रोशन जैसी लड़की नील की जीवन साथी बनने वाली है। किस्मत का धनी है वो कि तुम्हारी जैसी माँ और रोशनी जैसी जीवन साथी मिलने वाली है उसे। मुझे खुद को संभालना होगा। बाहर किसी ने घुंघरू की गिरने की आवाज सुन ली तो नहीं, मुझे इन्हें छुपाना होगा। अभी बुआ जी क्या करूं, कहां छुपाऊं? ऐसे बेसुध क्यों बैठी? अरे आपने तो और खुश होना चाहिए, पहली बार नील और रोशनी के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ है कि नील रोशनी को रोता हुआ छोड़कर आगे निकल गया। अब तो नील और रोशनी के रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, और आप दुखी होकर बैठे क्योंकि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर हमारा पति वापस आ गया है, और इनके रहते हुए नील और रोशनी का रिश्ता टूटना नामुमकिन है। वो रोशनी की इतनी तरफदारी कर रहे थे कि अगर उन्हें पता चल गया कि नील और रोशनी के बीच झगड़ा हुआ है तो वो उस झगड़ा सुलझाने वास्ते उस झगड़े को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेंगे, क्योंकि उनके लिए अगर ये रिश्ता बिगड़ गया तो वो अपने सारे तीर छोड़कर इस रिश्ते को जोड़ने में लग जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ हमारे पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मन ने कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नील की बाऊजी अगर एड़ी चोटी भी एक
तो भी उन लोगों को एक ना कर पाओगे। पर मालकिन, आप ऐसा क्या करोगी कि नील और रोशनी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए? अरे लगे छुरी वाले को पर। जिन्हें भी अभी फोन करना था। हेलो, भाभी जी, राम राम, क्या हाल है? लड़की वालों की आने की तैयारियां हो गई? अरे भाभी जी, आपके होते मुझे किसी चीज की चिंता क्या करने की जरूरत है, होगी सारी तैयारी। और आपने रिश्ता भी बहुत बढ़िया करवाया है। तू भी ना कम्बो। खैर, अब काम की बात सुन। अब मैंने थारा इतना बड़ा काम कर दिया है, तू भी मारा एक काम कर। पर भाभी, ये इनाम तो वो साड़ी वाले घपले की जगह था ना? क्या कहूँ, एक ही इनाम से थारा पेट भर गया। अरे इनाम और तोहफे तो जितने मिले हैं उतने कम हुए हैं। हाँ भाभी, ठीक कह रही हो आप, हुकुम करो। वो रोशनी ने मैंने जो धमके दिए थे वो तुम्हारे पास वापस ले आ, बस एक घंटे के लिए, और फिर साथ वापस ले जाना। अरे भाभी, यो मैं ना कर सकूं। कहीं माँ ने पता चल गया ना, वामन ने जिंदा ही काट देगी। और आपकी वो जो गुंगी गाय है ना, है? सात तालों में बंद करके रखती है सब। हाँ, तन्ने यो काम करना ही होगा। अब तू कैसे करेगी मन ने ना पता, और यो मैं थारे से पूछ ना रही, मारा हुकुम है ये। भाभी जी, आप ही सोचो, अरे छोरी वाले आ रहे हैं ना, मैं कैसे आ सकूं भाभी? ठीक है, तो फिर मैं इमरती ने भेज देती हूँ, अब तो काम हो जाएगा ना। हाँ भाभी, भेज दो, मैं देखूं क्या कर सकूं। तेज मिलती है ना, इसे नाराज भी तो ना कर सकूं। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे वाह भाई जी, ला गए, ये सब पहले हाथ खड़े कर चुके हैं अपने। अरे ओ मास्टर जी, कहीं आप भी तो ना निकल लिए मुंबई? अरे हम तो मूंगफलियां लाए थे खाने के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि तुम लोग कॉम्पिटिशन को लेके इतने एक्साइटेड हो। नो ट्रूली आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन कॉम्पिटिशन 6 बजे, 6 बजने में 5 मिनट बाकी। क्या बात है, मतलब वानर सेना अभी भी टटी हुई है। बहुत ही बढ़िया मास्टर जी। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? तुम्हें पोल डांस सीखना था ना? पोल डांस सीखनी, तो चलो फिर करते हैं श्री गणेश। 5 मिनट। ओके गाइस, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, राइट? जो भी हो जाए कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि जितना भी नीचा वो दिखाएंगे ना, ये याद रखना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथों में होती है। सो बी कॉन्फिडेंट, कम ऑन, ब्रिंग इट इन वन लास्ट टाइम। वी आर कॉन्फिडेंट? यस सर। कम ऑन, वी कैन डू दिस। चलो लेट्स डू इट। बिट्टू, स्वाति और ट्विंकल को देखो। और हमारा पहला पार्टिसिपेंट है सलमान। म्यूजिक। हाँ
पकड़। लगता है आपने अपने चेलों को कुछ सिखाया ना है, निराश कर दिया आपने मैंने। नौटंकी है पोल डांस में थके कभी? क्या मास्टर जी, ये तो ठगने वाली बात हो गई। लगता है आपने अपने चेलों को कुछ सिखाया ना है, निराश कर दिया आपने मन। इतना तो कोई बालक भी बता सके कि वो पोल डांस ना है। क्यों मास्टर जी, गलत बोल रहा हूं क्या? इसे बोलते हैं पोल डांस। करके दिखा। खूब नाचा भाई सलमान के डुप्लीकेट, वाह मजा आ गया। अरे यो डंडा तो सीधो कर तो जा। लो मास्टर जी, एक की टिकट तो कट गई, अब अगला ले आओ। सब गड़बड़ हो गई है। नील के डर से पहले आधे कंटेस्टेंट्स भाग गए और थोड़ी देर में बाकी बच्चे भी भाग जाएंगे। प्लीज यहाँ जल्दी आ जा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अभी डेढ़ घंटे बाद नहीं कभी भी स्टार्ट हो सकता है। घर में इतना काम बिखरा पड़ा है, बुआ जी ने मुझे बहुत काम करने को दिया है, मैं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं कैसे आऊंगी। रोशनी तू पागल है क्या? मैं यहाँ तेरे बिना कैसे मैनेज करूंगी? रोशनी जल्दी आओ, नहीं तो जो तुम इज्जत बचाने के लिए चली थी ना, मुझे दो मिनट भी नहीं लगेंगे नीलाम करने के लिए, समझी? पर ताई जी